हम अपनी प्रश्नावली 2.2 पर पहुंच चुके हैं और इसके सारे प्रश्न हम लोग बहुत खटाखट खटाखट करते चले जाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने जो पहले मेहनत की है जिसमें हम लोगों ने किसी द्विघात बहुपद ax2 + bx + c इसमें शून्यकों के योग और शून्यकों के गुणनफल को बहुत अच्छे से समझ लिया था, अब उसी का हमें फायदा मिलेगा। पूछा क्या जा रहा है पहले प्रश्न में, पहले प्रश्न में बहुत सारे खंड है और हर खंड में पूछा जा रहा है कि आप पहले तो इसके क्या निकालिए, शून्यक निकालिए, और शून्यक निकालने के बाद से आप ये वेरीफाई करिए, आप ये देखिए कि ये बात सही है कि नहीं, क्या शून्यकों का योग हमेशा -b/a होता है कि नहीं, शून्यकों का गुणनफल हमेशा c/a होता है या नहीं, ये हमें करना है। तो सबसे पहले तो हमें हर बार क्या करना होगा, इसके हमें गुणनखंड करने होंगे, क्योंकि गुणनखंड करने के बाद से शून्यक निकालना बहुत आसान हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करने वाला जो तरीका है जो हम लोगों ने 9th में पढ़ा हुआ था उसी को देखेंगे। अब मिडिल टर्म को कैसे तोड़ना है कि गुणन जो है वो -8x² के बराबर हो जाए, तो मुझे एक्सपीरियंस से दिख जा रहा है ये हो जाएगा -4x, ये हो जाएगा आपका -2x, लेकिन ये तो माइनस माइनस है तो एक हो जाएगा ये प्लस एक्स, तो -4x में आप 2x को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, -2x मिलेगा, तो ये बात उतनी रही, ये टर्म देखिए, और यहां पर क्या हो जाएगा जो गुणन है वो भी वही रहेगा। अब क्या करेंगे हम, इसमें क्या क्या कॉमन दिख रहा है, एक्स कॉमन दिख रहा है, तो एक्स कॉमन कर दिया तो मिल गया आपको x-4, यहां पर आपको क्या मिल गया 2 ले लिया तो आपको मिल गया x-4। अब आपने क्या किया, यहां से x-4 कॉमन है, यहां से x-4 कॉमन है, x-4 ले लिया तो आपको यहां से मिल जाएगा ये वाला x और यहां से आपको मिल जाएगा 2, ये आपके गुणनखंड हो गए। इसका मतलब आप x²-2x-8 को क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो x-4 और x^2, ठीक। और आप याद करिए जब हमें शून्यक निकालने होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम इसी को, इस पॉलिनोमियल को शून्य के बराबर कर देते हैं, और जैसे ही आप इसको शून्य के बराबर करोगे तो क्या हो जाएगा, वहां से या तो ये शून्य होगा या ये शून्य होगा, दो चीजें मिलेंगी। तो जब x-4 शून्य के बराबर होगा तो x-4 क्या हो जाएगा, शून्य के बराबर कर दिया तो एक्स यहां से क्या मिल गया 4। ऐसे ही आप यहां से क्या करोगे, x+2 को जब शून्य के बराबर करोगे तो आपको मिल जाएगा x-2, यानी कि पहला जो मूल है पहला शून्य का वो क्या हो गया 4 और दूसरा क्या हो गया -2, यहां से आपको ये चीजें मिल गई, आपने इसके शून्य निकाल लिए। लेकिन यहां पे कुछ हो गया क्वेश्चन है, हो गया नहीं हुआ, नहीं इसलिए हुआ क्योंकि हमें वेरीफाई करना है कि यार ये जो निकल के आया है क्या वो ये बात सही बताता है, शून्यकों का योग कितना है -b/a, तो शून्यकों का योग कितना हो जाएगा -b/a करोगे तो क्या मिल रहा है -b/a, -b क्या है -b, तो माइनस तो बाहर है और बी क्या है -2/a, क्या है x² का गुणांक कितना है 1, तो आपको ये मिलना चाहिए 2, लेकिन क्या यहां पर वास्तव में ऐसा है, ये क्या आपने किया -b/a, तो आप लिखिए -b/a बराबर ये और शून्यकों का योग वो कितना हो जाएगा, वो देखिए एक शून्य का 4, दूसरा है आपका -2, दोनों को जोड़ देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 2। इसका मतलब ये बात तो सही हो गई, -b/a शून्यकों के योग के बराबर आ रहा है। अच्छा गुणनफल वाली भी बात देख लेते हैं, गुणनफल क्या होता है उनके हिसाब से c/a होता है, तो c/a कितना आ रहा है, देखो c क्या है -8, a क्या है 1, तो आपको क्या मिल रहा है -8। अच्छा यहां पर देख लेते हैं शून्यकों का गुणनफल करके देखते हैं, एक है आपका 4 और दूसरा है -2, 4 में -2 से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा -8। ये आपका पहला पार्ट हो गया। हम लोग सारे पार्ट्स को इसी तरह से जो मैंने ये लिख दिया ना, अच्छा इसी में आगे करता चला जाऊंगा क्योंकि बहुत ही आसान है, ठीक। एक क्वेश्चन हो गया हमारा, दूसरे में हमसे क्या पूछा गया है, दूसरे में बोला गया है कि आप पता करिए 4s² - 4s + 1, क्या करिए 4s² - 4s + 1, इसके बारे में अपने को पता करना है। क्या पता करना है, पहले तो इसके क्या निकालने हैं, मूल निकालने हैं, फिर क्या करना होगा, फिर शून्यकों का गुणा करके देखना होगा, ठीक। तो ये चीज खाली बदल जाएगी, बाकी सब कुछ जो है वो लिखा रहेगा, देखिए है ना, ये भी लिखा रहेगा, यहां पर ये बदल जाएगा, ये रिक्त स्थान हो गया अपना, रिक्त स्थान भरने हैं, ठीक। इसको हमें कुछ निकालना है, क्या निकालना है, सबसे पहले तो कि इसके गुणांक क्या होंगे, गुणनफल जब हम इसके गुणनखंड कर लेंगे तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्या शून्य निकालना, तो यहां पर 4s² होना चाहिए गुणा 4s² -2s और -2s में आप तोड़ोगे तो दोनों का गुणन भी जो है 4s² हो जाएगा धनात्मक, और साथ में टूट भी सही सराय -2s 4s को -2s, यानी कि ऋण 4s को आप -2s और -2s में तोड़ भी सकते हो, तो ये तरीका आपको तोड़ने का सही है। यहां से आपने 2s कॉमन ले लिया, आपको मिल गया क्या 2s, यहां से मिला, यहां से क्या मिला -1,
यहां से आपने माइनस एक कॉमन ले लिया, आपको मिला दो एस माइनस एक, ठीक। यहां से आपको गुणनखंड क्या मिल गया, गुणनखंड दो एस माइनस एक यहां से मिल गया, इसी को ले लीजिए। अब आपने दो एस माइनस एक कॉमन लिया तो यहां से आपको क्या मिल गया, दो एस मिल गया। दूसरे वाले ब्रैकेट से क्या मिला, ब्रैकेट के बाहर एक। तो देखिए यहां पर दो एस माइनस वन, दो एस माइनस वन दोनों ही साइड से मिल रहा है, और इसीलिए इसके जो गुणनखंड है ना, ये एक परफेक्ट स्क्वायर हो गया, दो एस माइनस वन का स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि दोनों ही गुणनखंड एक ही जैसे हैं। भाई 25 का क्या होता है, 25 के गुणनखंड क्या होते हैं, 5 गुणे 5, तो आप इसको 5 का स्क्वायर भी तो लिख सकते हो, है ना, क्योंकि जो दोनों गुणनखंड एक ही जैसे हैं, तो इसको वास्तव में ये हटा करके सिर्फ स्क्वायर भी लिखा जा सकता है, ठीक, ये भी लिखा जा सकता है। लेकिन अभी हम दोनों का अलग अलग लिखा हुआ है तो लिखा रहने दीजिए। इसका मतलब इसमें क्या हो जाएगा, ये रो वाली सिचुएशन होगी जब हमारे ग्राफ को ऐसे करके टच कर रहा होगा, ठीक है, या नीचे डायरेक्शन में भी टच कर सकता है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कब नीचे की डायरेक्शन होती है, कब ऊपर की डायरेक्शन होती है। लेकिन अभी समझ लीजिए कि एक ही बिंदु हमें एक ही उत्तर मिलेगा, क्योंकि यार स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है ना, एकदम वर्ग है, पूरा पूरा वर्ग बन रहा है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, अब हम इसके शून्य निकाल लेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसको शून्य के बराबर कर देंगे, तो वहां से आपको 2s-1 जो है वो मिलेगा जीरो के बराबर, तो यहां से 2s जो है मिल जाएगा आपको एक के बराबर, और s जो है मिल जाएगा आपको 1/2 के बराबर, हो गया उत्तर। और दूसरा s भी यही मिलेगा, यानी कि दोनों s, यानी कि दोनों जो शून्य है वो 1/2 है। अब दोनों को जोड़ दोगे 1/2 को, तो क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा यार, इसको भी अलग अलग लिख करके जोड़ना पड़ेगा, क्या एक हो गया। और माइनस बी अपॉन ए कितना है, माइनस बी अपॉन ए माइनस ऑफ माइनस फोर, क्यों, क्योंकि बी क्या होता है यार, एस का गुणांक, एस एक्स यू टी कुछ भी लिखना है, हम चर पद देखते हैं, चर एस है यहां पर, ठीक। तो ये हो गया माइनस ऑफ माइनस फोर अपॉन ए, ए क्या है, एस स्क्वायर का गुणांक, वो कितना है 4, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस जो है रेड रेड मिलकर के धन हो जाएगा, तो धन 4/4 यानी कि 1, और यहां से देखो 1 आ रहा है, यानी कि ये बात भी हमारी सही हो गई। दूसरा क्या करना है, सी अपॉन ए, यानी कि सी बटे ए क्या हो जाएगा 1/4, और यहां से गुणनफल क्या हो जाएगा, तो यार कितना आसान है, 1/2 × 1/2, देखो 1/4 आ गया, हो गया। इसी का तीसरा पार्ट कर लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 6x² - 3x - 3 - 7x। अब देखो इन्होंने खेल कर दिया इसमें, हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो पहले, तो है ना, जो सबसे बड़ी घात है उसको पहले लिख लिया, x की सबसे बड़ी घात 2 है, फिर x की एक घात वाला पद है उसको लिखो। अब क्या करेंगे, इसको फिर हम लोग मिडिल टर्म को तोड़ेंगे, जो बीच का पद है उसको तोड़ेंगे, तो 7 को माइनस 7 को ऐसे तोड़ो कि 6 * 3 = -18 मिल जाए, 7 को ऐसे तोड़ो, तो कैसे तोड़ सकते हो, 4 - -4 - -3 में तोड़ोगे तो आपको धन मिल जाएगा। तो पहली चीज आपको समझ आ रही है क्या, ऋण मिलना चाहिए, इसका मतलब एक धन होगा एक निगेटिव होगा, है ना, और आपको ओवरऑल जो उत्तर निकल करके आ रहा है वो ऋणात्मक है, यानी कि ऋणात्मक पद बड़ा होगा और धन वाला पद छोटा होगा। तो इसी इस तरह से अंदाज लगता है अपने को, तो अंदाज से क्या समझ में आया, 6x² - 9x + 2x। देखिए ये -9 में 2 जोड़ोगे तो -7 हो जाएगा, वो पद टूट गया, और 7 में 6 * 3 = 18 है -18, तो यहां से भी 9 * 2 = 18 है, -18 मिल रहा है। तो अब क्या करेंगे, यहां से हम कॉमन ले लेंगे, कॉमन क्या दिख रहा है, 3x कॉमन दिख रहा है इसमें और इसमें, तो क्या हो जाएगा x, यहां पे क्या हो जाएगा 3। अब यहां पे क्या करेंगे आप, क्या कुछ कॉमन ले पाएंगे, देखिए सही से देखिए, तो यहां पे 2x था, 3 कॉमन लिया था आपने, तो ठीक यहां पे क्या हो जाएगा, 1 आप कॉमन ले दीजिए, जब कुछ भी कॉमन नहीं दिखता तो 2x में -3 आप 1 तो कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि हमें इस पद को फिर से कॉमन लेकर के निकालना होता है, राइट। तो क्या हो जाएगा, 2x - 3 आपने कॉमन ले लिया, तो आपको मिल गया यहां से 3x, यहां से आपको मिल गया 1, बस। अब तो आपकी बल्ले बल्ले हो गई, अब मैं डायरेक्टली सॉल्व नहीं करूंगा, देखिए सीधे सीधे लिख दूंगा, इसका मतलब ये जो है वो क्या लिखा जा सकता है, इसके गुणन के पदों में लिख दिया, 25 को आपने 5 × 5 लिखा था, या 15 को 3 × 5 लिखते हो, ऐसे इस बहुपद को क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है 2x - 3, और दूसरा पद क्या है 3x - 1। और अगर हमें इसके शून्य निकालने हैं तो हम क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर कर देंगे, कर दिया 0 के बराबर, तो यहां से आपको x क्या मिल जाएगा, पहले से आपको x मिलेगा 3/2, और दूसरे से क्या मिलेगा, मिल जाएगा -1/3। ये करके देखना, ठीक है, ये आप करके देखिएगा। अब देखिए सीधा सीधा यार, एक बहुत ही आसान है, आप कर लोगे, और अगर नहीं हो पा रहा है तो मुझे बताओ, और जो मुझे कमेंट में लेकर के बताएगा कि नहीं हो पा रहा है, मैं डांटूंगा उसको कि ये क्यों नहीं हो पा रहा है, समझे, हो जाएगा, और मैं बता भी दूंगा, लेकिन पहले डांटूंगा जरूर। अब देखिए ये आपके एक उत्तर आ गया, दूसरा शून्य के आ गया, हमें क्या करना है, माइनस बी अपॉन ए देखना है, माइनस बी अपॉन ए यानी कि माइनस, और बी कितना है, -3 है, और ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखिए कर दी गलती मैंने, कर दी, क्यों कर दी, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है ये, पहले आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, जो बी है वो एक्स का गुणांक है, यहां पर मैंने -3 उठा करके सीधे सीधे कर दिया, ये गलती मत करना, ठीक है, मुझसे सीखो, मेरी गलतियों से सीखो, ठीक। देखो माइनस क्या,
x का गुणांक क्या है, वो है -7, वो लिखो यार। b जो है वो माइनस, जो b है वो x का गुणांक है, किसमें कहां पे देखो, ये देखो b जो है वो x का गुणांक होता है, ठीक। इसलिए अगर गलत तरह से लिखा है तो गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। अभी क्या हुआ, -7 आ गया, अब a से आप भाग दोगे तो क्या हो जाएगा, 6 है a, तो -7 में माइनस से गुणा करोगे तो 7/6 हो जाएगा, है ना। अब देखते हैं जो हमारा शून्यकों का योग था वो कितना आ रहा है, 3/2 और 1/3 को जोड़ो तो 3/2 × 1/3 लासा पालोगे कितना मिलेगा, 6 आ जाएगा, 2 × 3 = 9 और धन आपने क्या किया, -1/3 है यार, जोड़ना नहीं है घटाना है, क्या हो जाएगा, 3 × 2 = 6 और 2 बार जा रहा है तो 2 घटा दोगे तो आपको मिल जाएगा 7/6। देखो यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो यहां पर भी सही हो गया। अब क्या करेंगे, इसका गुणा करके देख लेते हैं, पहले उधर करके देख लेते हैं फिर बाद में ही वाला देखेंगे, दोनों चीज बराबर आ रही है कि नहीं यही वेरीफाई करना है। तो 3/2 में -1/3 से गुणा करोगे, 3/2 × -1/3, तो ये 3 से 3 तो कट जाएगा, तो क्या मिलेगा आपको, -1/2, यानी कि -1/2 मिल गया आपको। अब देखिए यहां पे देखिए सी कितना है, सी है -3, ठीक। सी जो है वो आपको कांस्टेंट टर्म है, जो अचर है, और उसमें किससे भाग दे रहे हो आप, एक्स स्क्वायर के गुणांक से, वो है 6, तो ये क्या मिल गया, -1/2 मिल गया, यानी कि ये भी हमारा प्रश्न हो गया। अब अगला प्रश्न करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, आपके अपने चैनल अपनी क्लास को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। कभी कभी कैसा होता है ना यार कि बहुत ही आसान प्रश्न होता है तो हम उसमें घबरा जाते हैं, क्योंकि वो कुछ नया सा दिख रहा होता है। मुझे याद है एक बार मुझे पूछा गया था कि y = 7 है, ये किस x के मान के लिए y = 7 होगा, तो मुझे लग रहा था यार ये क्या पूछ दिया, क्यों, क्योंकि वैसे ऐसे पूछा जाता था कि x y को कुछ भी लिखा हुआ है, y = x/2 है, और आपसे पूछा जा रहा है कि y 7 कब होगा, तो आप बोल रहे जब x 5 होगा तो y क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, लेकिन मुझे ये पूछा गया कि y = 7 सिर्फ लिखा हुआ है तो x किस मान के लिए 7 होगा, x कुछ भी हो y हमेशा 7 रहेगा, है ना। तो उसमें मैं कंफ्यूज हो गया था पहली बार, क्यों, क्योंकि इतनी आसान चीज पूछती तो लगता है कि यार इतना आसान कैसे हो सकता है। तो इसलिए कभी कभी जब कुछ नया हमें दिखता है ना बहुत आसान हो तभी हम कभी कभी डर सा जाते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, एक बार देख लेते हैं कि अच्छा आसान चीजें भी इस तरह की होती है। ये बहुत ही आसान है, इसमें क्या है आपको सीधे सीधे दिख जा रहा है कि 4u कॉमन है, पहले से ही कॉमन ले लो, तो u में बच गया अंदर और क्या बच गया यहां पर, 2 बच गया, तो इसका मतलब एक गुणांक तो आपका हो गया ये, एक हो गया ये। इसमें कुछ आपको मिडिल टर्म तोड़ने की जरूरत ही नहीं है, बीच का टर्म तोड़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पहले से इतना आसान है सीधा सीधा। इसमें अंत में जो कांस्टेंट टर्म है वो है ही नहीं, वो 0 है, समझ गए आप, इसलिए इसको इस तरह से तोड़ने की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक। अब क्या हो गया, अब आप इसको अगर 0 के बराबर करोगे तो यहां से आपको यू जो है वो 0 मिल जाएगा और यहां से यू जो है वो मिल जाएगा -2, इसका मतलब इनका जो योग है वो क्या हो जाएगा, -2, ठीक। और यहां पे देखो -b/a, बी क्या होता है, गुणांक होता है यू का, यानी कि जो एक घात वाला टर्म है उसका, और 2 घात वाले टर्म का जो है वो ए होता है, उससे भाग दोगे तो क्या मिल जाएगा, 2, यानी कि यहाँ पे भी 2 मिल गया, यहाँ पे भी 2 मिल गया, बात हमारी ठीक हो गई। अच्छा c/a करके देखते हैं, सी तो यार है ही नहीं, 0 है, यहाँ पे +0 लिखो वही तो सी हो जाएगा, तो सीधा सीधा 0 हो गया। अब 0 में किसी से भाग देने का क्या सोचना है यार, 0 ही रहेगा राजा बाबू। अब देखो गुणा भी करोगे तो 0 से आप किस में गुणा कर रहे हो, एक तो आपका टर्म 0 है उससे आप -2 में गुणा करोगे, सीधी सी बात है आपको 0 मिल जाएगा, तो ये भी हमारा सही हो गया। अगला क्वेश्चन करते हैं खटाक से, फटाफट क्वेश्चन करते हैं। ये देखो उससे भी आसान, इसमें क्या है t²-15 है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, इसमें गुणनखंड करने की जरूरत ही नहीं है, आप सीधे सीधे इसको 0 कर दो, क्यों कर देना, आप देखना कितना आसान है ये। तो आप क्या करोगे, t² क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, तो t क्या हो जाएगा, जब वर्ग कर रहे हो तो हम लोग उसका वर्गमूल लगाने के साथ साथ प्लस माइनस भी लगा देते हैं, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, एक बार आपको √15 मिलेगा और एक बार √15 मिलेगा, ठीक। अच्छा यहां पर एक चीज है, कभी कंफ्यूज मत होना, कोई आपसे पूछे कि वर्गमूल 4 का मान क्या होता है, तो आप ये मत कहना कि +2 भी होता है -2 भी होता है, नहीं गलत है ये। अगर आपको दिया हुआ है कि 4 है और 4 का आप वर्गमूल निकाल लो तो हमेशा क्या आएगा, तब आएगा 1। आप समझने की कोशिश करिए, देखिए ऐसे समझिए, 4 का जो वर्गमूल है ना, 4 का वो तो हमेशा ही 2 रहेगा, लेकिन अगर आपको माइनस बाहर लगा हुआ है और 4 लगा हुआ है तो वो -2 हो जाएगा, क्योंकि आपने पहले से वर्गमूल लगा दिया है। लेकिन इसकी जगह अगर ऐसा बोला जाए कि x जो है वो है आपका 4 और आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है इसका वर्गमूल करना है,
तो इसका जो वर्गमूल करोगे तो अब जब x की घात 1/2 करोगे वो कुछ भी आ सकता है, वो 2 भी हो सकता है और -2 भी हो सकता है। ठीक, समझ गए ना? क्योंकि वर्गमूल के बाहर वाला चिन्ह लगा हुआ है तब आप लगाइए। सिर्फ अगर आपको बोल दिया कि वर्गमूल 4 कितना होगा तो 2 नहीं होगा, सिर्फ 2 ही होगा, तब -2 नहीं होगा। समझ गए ना? जैसे समझ लीजिए यार, एक्स स्क्वायर बराबर 4 अगर है तो आप एक्स क्या करोगे, एक्स को जब लिखोगे तब आप लिखोगे प्लस माइनस अंडर रूट 4, ये तो वहां पर ही प्लस माइनस हो जाता है। समझ गए? तो हमेशा वर्गमूल का जो चिन्ह लगा हुआ है इसका मतलब ये नहीं है कि, अब आप खुद ही सोचिए ना, हम लोगों ने संख्या रेखा पर निरूपित किया था किसको, अंडर रूट 2 को, तो हम लोगों ने थोड़ी कहा था कि इसका मान जो है वो -1.414 भी होगा, ऐसा तो कहा नहीं था, सिर्फ धन कहा था। तो वर्गमूल का चिन्ह देख करके ये समझ जाना कि इसके साथ ही साथ हमेशा प्लस और माइनस भी आता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो कई लोग ये गलती कर देते हैं, बहुत लोग करते हैं ये वाली गलती, इसलिए मैंने आपको साइड में बता दिया। अब देखिए, आपको एक मिल गया ये और एक मिल गया ये, जितना धनात्मक उतना ही नेगेटिव है, तो दोनों को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जीरो। और देखिए यहां से कितना आसान है, यहां पर बी टर्म है ही नहीं, कोई भी ऐसा टर्म है नहीं जो टी का गुणांक हो, टी का गुणांक क्या है, शून्य है, तो -0 आप किसी से ही भाग दो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां पर एक है वैसे, इसलिए मैंने एक लिख दिया, तो ये तो वेरीफाई हो गया। दूसरा क्या है, सी अपॉन ए, देखो माइनस अंडर रूट 15 है और उसी का अंडर रूट 15 से गुणा करोगे तो 15 तो मिल ही जाएगा, लेकिन एक प्लस है और एक माइनस है, तो क्या मिलेगा, ऋण 15 मिलेगा, क्या मिलेगा, ऋण 15। ठीक है, करके दे देता हूं यार आपको, ये है 15 गुणे ऋण 15, 15 15 का 15 आ गया, ऋण का ऋण हो गया। ठीक है, क्योंकि प्लस से आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, एक माइनस मिलेगा। अब देखिए सी कितना है, सी है आपका ऋण 15 और ए कितना है, टी का स्क्वायर, टी स्क्वायर का गुणांक जो है वो है 1, तो ये -15 मिल गया, यानी कि हमारा ये भी प्रूव हो गया। अब हमारा बचा इसमें आखिरी क्वेश्चन, है ना, बहुत ही आसान है यार, थोड़ा सा ये वीडियो इस तरह के कभी कभी बड़े बन जाते हैं क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है, लेकिन ठीक है, प्रैक्टिस हो जाती है, आपको तो करना ही चाहिए, मैं कर रहा हूँ, सोचिए एक एक क्वेश्चन आपके लिए कर रहा हूँ यहाँ पर, है ना, क्यों कर रहा हूँ, जैसे कि आपको कहीं पर भी तकलीफ आ रही हो, कहीं आपने गलत कर दिया तो आप देख लें, बाकी ये सब देख के मत करना, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप ये सारे क्वेश्चन खुद से करो, जब ना हो पाए तब देख लो यार, है ना, क्योंकि खुद से नहीं करोगे तो आपका दिमाग चलेगा नहीं, पहले देख लोगे तो फिर फायदा नहीं है, पहले देख लोगे फिर लगेगा ये तो बहुत आसान था, खुद से जब पहली बार करोगे तब तब गलतियां कर सकते हो, और फिर देखो तो आपको अच्छे से समझ में भी आएगा और मेरे इस वीडियो को बनाने का फायदा भी तभी होगा, आपने पहले से देख लिया, मेरे लिए तो एक तरह से वो मुझे ऐसा फायदा हो जाएगा कि लोग ज्यादा मेरा वीडियो देख रहे हैं और उसका मुझे फायदा भी मिल सकता है, लेकिन वो गलत है, वो गलत इसलिए क्योंकि उसमें आपका फायदा नहीं होगा, आप समझ रहे ना, तो वो मत करिएगा। आखिरी क्वेश्चन करते हैं इसका, ये यहाँ पर बनी लिखा रहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, खैर सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है आपका, 3x² - x - 4, 3x² - x - 4, फिर से वैसा ही आ गया, मिडिल टर्म को तोड़ देंगे, यहाँ पे -4 है, यहाँ पर 3 है, तो -12 करना है किसका, गुणा निकालना है -12 और -4 लिखा हुआ, ये तो बड़ा आसान है, देखो 3x² - 4x - 3x - 4, ये प्रैक्टिस से आता है, मुझे दिख गया, देखो 4 * 3 = 12 करोगे और एक ऋण वाला है तो माइनस ऋण वाला बड़ा रखो, धन वाला छोटा कर दो। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, 3x मुझे क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ पर सिर्फ मुझे कॉमन दिख रहा है x, तो हो जाएगा 3x, यहां से आ जाएगा -4, यहां से क्या कॉमन दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है तो एक कॉमन ले लिया, जब कुछ नहीं दिख रहा हो तो एक कॉमन ले लो, अब 3x - 4 3x - 4 दोनों तरफ से कॉमन दिख रहा है, ले लिया यार, अंदर क्या बच गया, अंदर बच गया आपका x - 1। अब सोचो अगर ये और ये गुणनखंड होंगे तो सीधा लिखूंगा मैं, अब क्या लिखूंगा, एकदम सीधा लिखूंगा, तो शून्यांक क्या हो जाएंगे, 3x - 4 का 0 के बराबर क्या करोगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 4/3, और ऐसे ही ये आपको पहला मिल गया, दूसरा क्या हो जाएगा, x + 1 = 0 रखोगे तो वहां से आपको आपको क्या मिल जाएगा, -1 मिल जाएगा। अभी यार करके देख लेना, ठीक है, अब क्या होगा, यहां से आपने 4 किया था 4/3 मिल गया, यहां से आपको मिल गया -1। अब देखिए इन दोनों का क्या करते हैं, योग कर देते हैं, इसका और इसका योग करेंगे, तो देखो 4/3 एक से ज्यादा होता है कि नहीं होता है, 3/3 एक हो गया, तो 1/3 और बचेगा, क्योंकि -1 आप उससे घटा दोगे, तो कई बार ऐसे हम जुगाड़ लगाते हैं सीधा सीधा, तो यहाँ पे मुझे सीधा सीधा दिख गया कि 1/3 उत्तर आएगा, आप ये भी करके देखो, है ना, एक आइडिया लगता है अपने को, फिर 4/3 में 1 से गुणा करोगे तो 4/3 रहेगा और -1 से कर दोगे तो -4/3 रह जाएगा, तो ये भी आपको सीधा सीधा दिख गया। और आपने क्या किया, यहां पर -b/a, देखिए -b/a, बी क्या है, -1, तो -(-1) है ना, ऋण और ऋण 1 कर देंगे तो धन 1 हो जाएगा, और एक क्या है, a है आपका 3, तो यहां से देखिए आपको 1/3 मिल रहा है क्या, ये भी 1/3 है, यानी कि ये भी आपने वेरीफाई कर दिया। और अब क्या बचा, अब आखिरी चीज बची, आखिरी क्या बचा जल्दी बताओ, आखिरी बचा है c/a, c क्या है -4 और a क्या है 3, तो देखिए क्या -4/3 है, इसका मतलब हम लोगों ने इस वाले क्वेश्चन में जो कुछ भी हमें प्रूफ करना था, वेरीफाई करना था, पहले हमें क्या निकाले थे, शून्यक निकालने थे, और शून्यक निकालने के बाद से हमें प्रूफ करना था कि शून्यकों का योग क्या होता है -b/a और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है c/a, हम लोगों ने प्रूफ कर डाला। अब हम लोग इसी एक्सरसाइज का अपना दूसरा क्वेश्चन करेंगे जिसमें भी 6 पार्ट्स हैं, शायद 3-3 के हम लोग एक एक वीडियो में बना करके देखेंगे।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, आपके अपने चैनल अपनी क्लास को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। इस बार हमें क्या करना है, इस बार हमें करना है कि सबसे पहले देखिए मैथ्स में गणित में हमेशा ही प्रश्न को बहुत अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी है। तो शून्यकों का योग दे रखा है और गुणनफल दे रखा है। क्या दे रखा है? शून्यकों का योग, इसका मतलब हमें क्या क्या दे रखा है, माइनस बी बटे ए और क्या दे रखा है, सी बटे ए, ये दिया हुआ है। और हमें करना क्या है, हमें बहुपद बनाना है। कैसा बहुपद? द्विघात बहुपद, ठीक है। और द्विघात बहुपद में ही हमें माइनस बी ऊपर क्या होता है, शून्यकों का योग। तो हम यहां से क्या करेंगे, तरीका क्या होता है, हमेशा ही आप बी को और सी को ए के टर्म्स में निकाल लो, ए के पद में निकाल लो और वहां से आप इक्वेशन में रख दो और ए कॉमन भी ले सकते हो। अभी देखिए जो मैंने बताया उसको करके देखेंगे। शून्यकों का योग कितना दे रखा है, एक बटे चार। गुणनफल कितना दे रखा है, ऋण एक, ठीक। तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से आपको बी मिलेगा क्या, माइनस ए बटे चार, ये आपको मिल गया बी। सी क्या मिल गया, यहां से सी मिल गया आपको माइनस ए। अब जो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, क्या होती है स्टैंडर्ड फॉर्म, वो क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी, यही तो आपके बहुपद की स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसमें आप क्या करोगे, ए को तो ए ही रखा क्योंकि ए को सबको ए के टर्म्स में कर दो, हमेशा बहुत आसानी रहेगी, ठीक। अब यहां से क्या करोगे, बी क्या है, बी की जगह आप रख दोगे माइनस ए अपॉन फोर, देखो यही तो है, माइनस ए बटे चार कर दिया, यहां से आपको मिल गया है बी। और सी क्या है, सी है माइनस ए, ठीक। अब इसमें से अगर आप ए कॉमन भी ले लोगे तो क्या बचेगा, बचेगा एक्स स्क्वायर ऋण एक बटे चार ऋण एक। अब ये ए क्या है, ए कुछ भी हो सकता है, कोई भी वास्तविक संख्या रख दो, यहाँ पे आप दो रख दो, एक रख दो, एक हजार रख दो, एक लाख आठ रख दो, कुछ भी रखना है रख दो, क्योंकि उससे फर्क ही नहीं पड़ता, उससे इसके शून्यकों पर फर्क नहीं पड़ेगा। और आपको शून्यकों का योग, अगर शून्यकों पर फर्क नहीं पड़ेगा, अगर मान लो एक शून्य दो है और एक तीन है तो उसका योग पांच रहेगा और उसका गुणनफल हमेशा छह रहेगा, वही आपको दे रखा है। तो इसमें आप किसी से भी गुणा कर दो, शून्य बदलेंगे ही नहीं, तो शून्य का योग भी नहीं बदलेगा, शून्य का गुणन भी नहीं बदलेगा। तो ये आपका हो गया उत्तर। अब इसमें ए की वैल्यू अगर आप एक रख दोगे तो यहां पर अगर मान लीजिए यदि ए आपने कितना रख दिया, यदि ए बराबर एक, सबसे आसान रहता है क्योंकि आपका एक से गुणा करते हो तो वही चीज लिख देते हो, इसलिए ए कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर ऋण एक बटे चार एक्स। देखिए मैंने यहां पर एक्स छोड़ दिया, इस तरह की गलती मत करना आप लोग, है ना, वो एक्स ही है और कुछ नहीं है, माइनस एक। ये आपका हो गया क्या उत्तर, ठीक। और कुछ लोग हैं, कुछ राजा बाबू बच्चे होते हैं जो बहुत ही सीधे होते हैं, वो कहते हैं नहीं सर इसमें क्या होता है ना, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई हम कैसे मान लेते हैं, तब मान लेते हैं जब सारे टर्म्स जो भी हैं वो एक होल नंबर हो। तो इसमें क्या कर सकते हैं, हमें देख रहा है एक जगह पर एक बटे चार लिखा हुआ है, तो अगर हम ए को चार कर दें, ये गलत नहीं है, ये भी सही है, यदि हम क्या कहते हैं ए को चार कर दें तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका चार एक्स स्क्वायर ऋण एक्स ऋण चार, ये भी आपका उत्तर हो जाएगा। तो ऐसे अनंत पॉलिनोमियल बना सकते हो और इन सब का शून्यक कभी नहीं बदलेंगे, और शून्यक नहीं बदलेंगे तो शून्यकों का योगफल भी नहीं बदलेगा और उनका गुणनफल भी नहीं बदलेगा। अब चलिए इसका दूसरा प्रश्न कर लेते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दे रखा है, दूसरे प्रश्न में दे रखा है हमें अंडर रूट टू एंड वन अपॉन थ्री, वर्गमूल दो और एक बटे तीन, ठीक है ना। अच्छा अच्छा लिखेंगे आराम से, माइनस बी अपॉन ए क्या होगा, दोनों का योग, दोनों का योग कर दीजिए, दोनों का योग कितना दे रखा है, वर्गमूल दो दे रखा है पहले से ही, और ये क्या दे रखा है एक बटे तीन, यही है ना। मैं हमेशा कभी कभी गलत कर देता हूँ, मैं हमेशा कभी कभी गलत कर देता हूँ, है ना, ये कितना ऑक्सीमोरॉनिक स्टेटमेंट था, है ना, दोनों चीजें सही नहीं हो सकती, या तो हमेशा गलत करता हूँ या कभी कभी गलत करता हूँ, ठीक है। आपको भी पता होगा कि हमेशा गलत करता हूँ या कभी कभी गलत करता हूँ। तो अभी क्या हो गया, वर्गमूल दो और एक बटे तीन, इसको करना है अपने को, तो वर्गमूल दो और एक बटे तीन ये हमें दे रखा है। अब यहां से फिर से वही बी को आप कर दीजिए ए के टर्म्स में, तो क्या लिख देंगे, माइनस वर्गमूल दो ए, ये हो गया आपका बी। यहां से आपको सी क्या दिख गया, ए बटे तीन, बस इक्वेशन उठाई, इक्वेशन में लिख दिया, ये पुराना वाला लिखा हुआ था, इसको बिगाड़ करके देखिए, पूरा ही बिगाड़ देता हूं यार, क्या इसमें कुछ बचना तो है नहीं, बहुत ही आसान है, ए एक्स स्क्वायर है, इसको तो आप ए लिखोगे ही लिखोगे, ए को क्या कर सकते, कुछ नहीं, बी की जगह क्या लिख दोगे, माइनस वर्गमूल दो ए, यही तो आया था, और एक्स है, सी की जगह क्या आ गया है, धन ए बटे तीन। अब यहां से आप ए कॉमन ले लीजिए, कॉमन ले लेंगे क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट टू एक्स प्लस वन अपॉन थ्री, एक्स की घात दो ऋण वर्गमूल दो एक्स धन एक बटे तीन, ये मिल गया। अब यहां पर ए कुछ भी रख दो यार, अब इसको भी सिंप्लीफाई करने वाली बात है, तो एक बटे तीन को अगर भिन्न में बदलना होगा तो आप तीन से गुणा कर दो इसको, ए को तीन मान लो, कुछ भी करोगे ना, यही आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है,
अब आप इसको दो तीन तरह से बना करके भी लिख सकते हो, ठीक है। अगला क्या था, ये तो बहुत ही जल्दी जल्दी हो रहा है ना। फिर क्या है, शून्य और पांच है, इसके लिए दो वीडियो बनाने की जरूरत नहीं पड़ी थी, मुझे लग रहा था इसमें भी दो वीडियो लग जाएंगे, ये तो बहुत ही आसान है। देखिए शून्य और पांच है, यानी कि दोनों को जोड़ोगे तो शून्य मिलेगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बी जो है वो आपका जीरो हो जाएगा, क्योंकि ए को जीरो से गुणा करोगे जीरो मिल जाएगा, और जीरो धनात्मक और ऋणात्मक का तो कोई मतलब नहीं है, जीरो तो बिल्कुल बीच में है, किसके बीच में है, संख्या रेखा पर बीच में है। अब यहां से क्या हो जाएगा, ये आपको दे रखा है वर्गमूल पांच, तो यहां से सी क्या हो जाएगा, वर्गमूल पांच गुणे ए, ये हो गया आपका सी। अब क्या करोगे, ये मिल गया, अब फिर से आप इसी क्वेश्चन में चले जाओ, तो यहां पर क्वेश्चन आपको क्या मिलेगा, जो बी है बाबू वो क्या हो जाएगा जीरो, तो जीरो में एक्स से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा जीरो। ये कुछ स्टाइल्स रहती है, जैसे कभी कभी किसी चीज को हम जीरो करते हैं तो ऐसे करके क्रॉस बना देते हैं और यहाँ पे जीरो लिख देते हैं, ठीक है। आप हायर क्लासेस में जाओगे तब मिलेगा, तो कभी कभी समझेंगे कि ये क्या लिखा होता है। ऐसे कभी कभी लोग बिटवीन लिखते हैं, बिटवीन, बिटवीन की स्पेलिंग क्या होती है, बीच में, बी टी डब्ल्यू डबल एन, लेकिन मैथ्स में कई बार बिटवीन आता है तो हम लोग क्या कर देते हैं, ऐसे बी कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, डब्ल्यू लिख देते हैं, ये बिटवीन हो जाता है। तो कभी कभी इस तरह की कोई चीज आ रहा है तो कंफ्यूज मत होना कि ये क्या कर दिया, बाप रहे कुछ नहीं है यार, ये सब चीजें बहुत ही अर्जी फर्जी होती है, ट्रेडिशन है, परंपराएं हैं, जो चल गया चल गया। अभी क्या है यहाँ पर, a upon 3 कब था, पुराने क्वेश्चन में था, गलत मत कर दो, बिगाड़ दो, है ना, क्या है √5a, ठीक। अब क्या बचा, अब हमारे पास बीच वाला टर्म जो x वाला टर्म है वो तो रही नहीं गया क्योंकि वो तो जीरो हो गया, निपट गया वो। अब क्या करेंगे, इसमें से हम a कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, x² + √5, है ना, ये आपका उत्तर हो गया। खुश, अब क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं तो क्या मिल जाता है हमें, 1, 1। अरे यार ये क्वेश्चन तो बहुत तेजी से करने का मन हो रहा है, 1, 1। देखिए बिगाड़ता जाऊंगा मैं, करता चला जाऊंगा, ठीक, फॉलो करना जल्दी जल्दी, कुछ है ही नहीं इसमें। बी माइनस बी अपॉन ए भी एक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये अगर एक है तो बी जो है वो क्या हो जाएगा, ए आ जाएगा, फिर माइनस इधर चला जाएगा तो बी हो जाएगा आपका माइनस ए के बराबर। यहां पर भी ए भी 1 है तो सी जो है वो ए के बराबर है। अब क्या कर दीजिए इसमें, कितना आसान है, इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता, ये तो आपको वैसे भी दिख जा रहा है कि क्या है, ये सी हो गया ए के बराबर। अब क्या करेंगे, अब आराम से ए एक्स स्क्वायर हो गया, बी की जगह क्या रखेंगे, माइनस ए एक्स, और सी की जगह क्या रखेंगे ए, इससे आसान क्या हो सकता है, ए आपने बाहर कर दिया, x² - 1 + 1, और माइनस वन क्या, इंटू एक्स, तो यहां पर आप सीधे माइनस वन इंटू एक्स करोगे यानी कि माइनस एक्स हो गया, समझ गए नहीं समझे, ये हो गया आपको माइनस एक्स। अब इसमें ए को ए मान लो, दो मान लो, तीन मान लो, चार मान लो, कुछ मान लो, आपका यही पॉलिनोमियल निकल करके आ जाएगा। और एक बार बताऊं मैं आपको, कई बार क्या होता है ना यार, कि जो चीजें बहुत आसान लगती है उसमें गलतियां हो जाती हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो जाती हैं, मुझसे कई बार ऐसा लगता है कि इसमें तो कुछ गलत होगा नहीं, जल्दी जल्दी कुछ और सोचने लग जाते हैं, और कुछ लोग कुछ और क्यों सोचने लग जाते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है यार ये तो इतना आसान है, कुछ और दो ना, दिमाग को भी चाहिए होता कि कुछ अच्छा दो, तो उसमें भी कई बार गलतियां हो जाती हैं। लेकिन इस तरह की गलतियां मत करना, हमारे एग्जामिनेशन में, हमारे सिस्टम में वही सारी चीजें आती है, मार्क्स पर ही सब कुछ खेल चलता है। अभी भी बहुत अच्छा सिस्टम तो नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य को, सौभाग्य को, उसकी उसका महत्व तो बहुत ज्यादा है। लेकिन हाँ, कॉन्सेप्चुअल लेवल पर गलत नहीं करना चाहिए, गलत वैसे भी नहीं करना चाहिए, लेकिन कॉन्सेप्चुअल लेवल पर अगर गलत नहीं करोगे तो एक चीज तो आपको पता रहेगी कि हाँ आपको पता है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ना। अब क्या आ जाता है, -1/4 और 1/4, अरे ये तो बहुत ही कठिन हो गया है ना, माइनस से माइनस कट गया, बी जो है वो क्या आ जाएगा, a/4, यहां पर भी क्या है 1/4, तो सीधे सीधे सी हो जाएगा 1/4 a/4। अब क्या कर देंगे आप, यहां पर ax² फिर से लिख देंगे, फिर क्या कर देंगे, b कितना हो गया, b बताओ कितना हो गया, a/4 x, c कितना हो गया, a/4, ठीक। अब a कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, x²(2)(1/4x), या x/4 भी कर सकते हो, फिर 1/4, और इसको भी कुछ सुंदर सुंदर लिख देना है तो सुंदर सुंदर में 4 से गुणा कर दो, दिख रहा है यार 1/4 है, 1/4 1/4 है, 4 से गुणा कर दो, 1 को 4 मान लो तो क्या हो जाएगा, तो a को 4 मान लिया तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा 4x² + x + 1, ठीक। खुश हो लिए, अब नाच लो, आगे क्या करते हैं, आगे है 4, 1। मेरा एक दोस्त था, वो कोई भी बात होती थी, कोई बहुत खुश होते थे तो हमेशा बोलता था खुश हो लिए अब नाचो, है ना। तो ऐसा था कि नाचने को अभ्यक्त करने का कोई और तरीका ही नहीं है, मतलब नाचने के सिवा, खुशी को ऐसा है नहीं। लेकिन अच्छा, मैं एक और बताता हूँ आपको, मैं बचपन से कभी डांस किया नहीं, कभी नाचना आता नहीं था, और शादी वगैरह भी मेरे घर में होती थी तो कभी कभी रिश्तेदारों में, वैसे शादी मैंने कभी जीवन में अटेंड की नहीं है, तो कभी ऐसा होता था कि नहीं नाचता था, थोड़ी झेप भी रखती थी और कभी नाचे ही नहीं, तो कभी ऐसा नहीं होता था कि नाचना रहेगा। लेकिन जब मैं कॉलेज गया तो कॉलेज में हमारे यहाँ म्यूजिक नाइट होती थी, जिसमें म्यूजिक क्लब होता था, वो कुछ गाने बजाता था,
और वहां पे सारे दोस्त रहते हैं। तो जब मैं गया और उन लोगों के साथ नाचा तो बहुत गर्मी हो जाती है, ऑडिटोरियम में बहुत गर्मी हो जाती थी। और जब मैंने पहली बार नाचा तो मुझे नाचना तो आता नहीं था, लेकिन बस कूद रहता था और खेलता था, तो खेलने में तो कुछ कुछ आता ही है और इतना डिफिकल्ट होता भी नहीं है नाचना। लेकिन जब मैंने डांस किया तो अच्छा लगा, फिर बाद में नहीं किया, लेकिन मुझे समझ में आया कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपने कभी की नहीं है, करोगे तो समझ में आएगा कि अच्छी होती है, इसलिए एक्सप्लोर करते रहना चाहिए, है ना। अब इसमें कुछ एक्सप्लोर करने को है ही नहीं, इसको एक्सप्लोर क्या करेंगे बताइए। इसमें फिर से मैं पता है माइनस बी अपॉन ए कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, तो बी क्या हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा माइनस 4 ए। और देखिए सी अपॉन ए क्या दे रखा है, 1, तो सी क्या हो जाएगा, ए। बस ए के टर्म्स में बी को लिख देंगे, ए के टर्म्स में सी को लिख देंगे। अब क्या कर देंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहां से क्या हो जाएगा, ए को तो आप ए ही रखोगे, बी की जगह क्या रख दोगे, माइनस 4 ए कर दोगे, एक्स है, और ए की जगह क्या रख दोगे, धन ए कर दिया आपने, बस ए कॉमन ले लो, आगे आपका क्या x घात 2 माइनस 4 x धन 1, ये आपका उत्तर हो गया। बताइए क्या था इसमें, हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। हम लोग अगले कॉन्सेप्ट पर जाते हैं, तो उसमें अगला कॉन्सेप्ट क्या आता है, उसमें आता है कि हमें कोई 3 घात का या 4 घात का कोई एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, बहुपद दिया हुआ है, और उसके हमें एक या दो रूट्स दे रखे हैं, और फिर हमें क्या करना है, फिर हमें ये करना है कि हमें बाकी के रूट्स निकालने हैं। तो हम क्या करते हैं उसमें, उसमें हम लोग रिमाइंडर थ्योरम का नहीं फैक्टर थ्योरम का प्रयोग करते हैं। फैक्टर क्या होता है, एक गुणनखंड है, और गुणनखंड का प्रयोग करके हम वो वाले प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, तो वो हम लोग अपने अगले वीडियो में देखेंगे। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं, और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।